खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। दिन शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विजय संकल्प वाहन रैली के बाद एक आम सभा में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को पूरे युवा मोर्चा की संसदीय क्षेत्र से और सांसद के रूप में देखने को मंच से मनसा जाहिर की और लक्ष्मीकांत शर्मा से दिखाए तीखे तेवर। तो वहीं लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि सिरोंज लटेरी की जनता के साथ हम खड़े हैं, अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख और हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, और कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको हताश होने की जरूरत नहीं। ये ही नहीं बल्कि लक्ष्मीकांत शर्मा ने कांग्रेस को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि इन दिनों में प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चालू है, सिर्फ कांग्रेस नेता सरकारी कर्मचारियों को गालियां दे रहे हैं और हाथापाई कर रहे हैं, जबकि हमारी 15 साल में ऐसा किसी को परेशान नहीं किया गया। पार्टी के हम तब तक थे जब तक चुनाव नहीं हुआ था, अब हम सारे वोटरों के प्रतिनिधि हैं। और शर्मा ने साथ ही कहा कि कांग्रेस भ्रम पैदा करने वाली सरकार है, उन्होंने ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता और नौकरी देने को एकमात्र भ्रम बताया, जबकि शिवराज सरकार ने बहाई विकास की नैया। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 45,000 से जीत होनी चाहिए। लटेरी से विनोद कुमार की रिपोर्ट, समय जगत। तब रात्रि में 3:30 बजे अपन लोग सम्मिलित हुए थे और आज इधर मंच लगा है और आज मैं सम्मिलित हुआ हूँ। उस समय रात के 3:30 बजे रिजल्ट हमको यहाँ से देना पड़ेगा, वो आपका परिश्रम की पराकाष्ठा, आप सबको करना है। रही लक्ष्मीकांत शर्मा की बात, अरे लक्ष्मीकांत शर्मा के आग्रह पर आपने मेरे भाई उमाकांत शर्मा को जब 35,000 वोटों से जिता दिया, बार बार आप सबने लक्ष्मीकांत शर्मा को जिता दिया, तो मुझे और क्या चाहिए। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।